नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं जो वीडियो बनाता था वो बनाता था हिमाचल करंट अफेयर्स पे, बट मैंने एक बात देखी है कि जो हिमाचल के करंट अफेयर हैं, पहले भी आपसे डिस्कस की थी कि बहुत कम होते हैं, और जो एग्जाम आता है उसमें नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेशनल लेवल के और जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के करंट अफेयर हैं उन्हें भी ऐड कर दिया है, तो इससे आपको आसानी होगी, आपका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे और करंट अफेयर आपको पता लग जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले करंट अफेयर की। तो वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन इलेक्ट किए गए हैं? ठीक है, तो यहां पर शाहबाज जरदारी, मरियम भुट्टो, ठीक है, शाहिद खाकन अब्बासी या अब्बास फारूकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है शाहिद खाकन अब्बासी। तो यहां पर मैंने एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको एक बार देख के इजिली याद रहे कि ऑप्शन में ये हमने पढ़ा था, और ये अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑन जुलाई 31st, तो यहां पर 2017 आना था, राज्यसभा पास विच बिल फॉर सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं चार ऑप्शन में, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट बिल 2017। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। A campaign to protect children from major childhood diseases like measles, mumps and rubella has been started in which district of Himachal Pradesh? ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन बीमारियों से लड़ने के लिए, measles, mumps और रूबेला से, ठीक है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, और 1 अगस्त को ये किया गया था, तो डेट भी आपको याद रखनी है। तो ये किया गया था हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ऑप्शन आपके पास बहुत से आ सकते हैं, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया है, ठीक है, और ये जो चलाया गया है ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया है, मतलब सॉरी 8 जगह पर चलाया गया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये चलाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में ये चलाया गया है कांगड़ा में। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन जो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द न्यू बिलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट केम इनटू फोर्स ऑन 29 जुलाई 2017। तो ये लास्ट का था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, बिटवीन इंडिया एंड, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है, ठीक है, जो कि लेके हुआ है ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एस्टर्न कमांड। इंडियन आर्मी की जो एस्टर्न कमांड है उसका 1 अगस्त को चीफ किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत दिए गए हैं, जनरल पवन तोमर, जनरल अजय राजपूत, जनरल अंकुश लायर, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा, ठीक है, तो अभय कृष्णा को जो बनाया गया है वो बनाया गया है हमारा ईस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसका चीफ। नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, ठीक है, जो लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग है, विच क्रिकेटर हैज मेंटेन्ड हिज टॉप पोजीशन ऑन द बॉलर्स लिस्ट। बॉलर लिस्ट में टॉप पोजीशन पे कौन है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से? तो यहां पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर इसका वो है रविंद्र जडेजा, यानी कि रविंद्र जडेजा को जो है टॉप लिस्ट में है बॉलर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं। विच सिटी विल होस्ट 2028 समर ओलंपिक्स, यानी कि समर ओलंपिक्स 2028 के कहां पर होंगे? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, पेरिस, लॉस एंजलिस, बर्लिन, डरबन, तो जो होंगे हमारे वो होंगे लॉस एंजलिस यूएस में। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2017 सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1st अगस्त टू 7th अगस्त, ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, 7 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जो वो थी हमारे पास सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, ठीक है, थीम के आपके पास 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, पर जो हमारे पास इसकी थीम थी वो थी सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर। और जो ये हमारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये मनाना शुरू किया गया था 1992 में,
यानी कि 1992 से इसको मनाना शुरू किया गया था। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन निकल के आते हैं सामने कि एक तो वीक कब से कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ठीक है, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त, ठीक है। इस बार उसकी थीम क्या थी, ठीक है, वो थी सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, और ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 1992 में। तो तीन चार क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, आंसर भी, क्योंकि कई बार घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन अगस्त 2, 2070 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट द पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिक पॉइंट्स, नाउ द रेपो रेट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखना है, जो नया रेपो रेट है वो कितना है, तो वो है हमारे पास 6.00%, ठीक है। तो ये हमारा रेपो रेट नया है जो कि आरबीआई ने किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन अगस्त 2, 2070 पीटर ओनील, ठीक है, याद रखिएगा, पीटर ओनील हैज बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो पीटर ओनील कहां के न्यू रीअपॉइंट किए गए प्राइम मिनिस्टर है, तो यहां पर ऑप्शन चार है आपके पास, तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है वो पापुआ न्यू गुइनिया, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसका नाम देके आपको ये पूछा जा सकता है कि यहां के जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, या फिर ये प्राइम मिनिस्टर कहां के हैं, तो ये आपको दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर ओरिएंटल इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ये फैसल ग्रेन्स बाजार, ठीक है, तो इसका जो ये करेक्ट आंसर है वो है ई रैकेम, या आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जो भी आपका, तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो वो होती है राष्ट्रीय, आर ए से हमारा डिनोट करता है, ये करता है राष्ट्रीय को डिनोट, ठीक है, के करता है किसान को डिनोट, ए करता है एग्री को डिनोट, और एम करता है मंडी को डिनोट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये है वो वेब पोर्टल जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है किसानों की सहायता के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, संतोष मोहन देव, ठीक है, नाम याद रखिएगा, संतोष मोहन देव, वो पास्ड अवे ऑन अगस्त 2, 2017 वाज अ, क्या थे, नोवल राइटर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, हिंदी पोएट, तो वो थे फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, जिनका नाम था संतोष मोहन देव। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन अगस्त 2, 2017 लोकसभा पास्ड टू बिल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन, ठीक है, तो कौन सी स्टेट में, ठीक है, लोकसभा ने पास किए हैं दो बिल, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स के, तो असम, केरला, अंडमान निकोबार, आइलैंड, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बिल पास किए गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही ऐड करूं। नेक्स्ट बात करते हैं, आदि पेरुकू, ठीक है, फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है, आदि पेरुकू, 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 कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, फेस्टिवल कौन सी स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है या किया जा रहा है, अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी पूछा जा सकता है, और आदि पेरुकू कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है वो भी पूछा जा सकता है। तो ये जो फेस्टिवल होता है ये कहते हैं इसको बिगिनिंग ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं, यानी कि इसके बाद जो तमिलनाडु में है बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं तो इसको स्टार्टिंग कहा जाता है। ये तो एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज है, ठीक है, बाकी आपको याद सिर्फ ये रखना है कि आदि पेरुकू कहां मनाया जाता है या तमिलनाडु में अगस्त में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री हैज इशू अ बैन प्रोहिबिट इट्स सिटीजन ट्रेवलिंग टू नॉर्थ कोरिया, तो ये तो आपको पता ही होगा, आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है कि किसने बैन लगाया है सिटीजन ट्रेवलिंग टू, के उसके सिटीजन नॉर्थ कोरिया में ट्रेवलिंग नहीं करेंगे, तो वो लगाया है यूएस ने बैन, ठीक है, और आजकल वैसे भी न्यूज में चला हुआ है, नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हाइड्रोजन बम बनाया है, जो भी चल रही है, तो याद रखिएगा, ये तो आपको न्यूज से पता लग गया होगा कि यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द पंजाब स्टेट पुलिस, ठीक है, तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर, ठीक है, कौन अपॉइंट की गई है डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, यानी कि डीएसपी ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे झूलन गोस्वामी, मिथाली राजविद्या है, हरमनप्रीत कौर, इसका जो है करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने सेमीफाइनल में, ठीक है, आई थिंक सेमीफाइनल ही था, ठीक है, अगर देख लेना एक बार, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारे थे 171 रन,
ठीक है, आई थिंक 171 ही रन थे और वो थे हमारे 115 बॉल्स पे, यानी कि 115 बॉलों पे 171 रन इन्होंने मारे थे। तो इनको दिया गया है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी का पद पंजाब स्टेट पुलिस ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फ्रॉम विच डेट आधार नंबर विल बी मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, यानी कि रजिस्टर कौन सी तारीख से आधार नंबर एक जरूरी हो जाएगा ठीक है डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसकी जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अक्टूबर 2017 से। 1 अक्टूबर 2017 से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के, डेथ की रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर टैक्सी, ठीक है हेली टैक्सी भी कहा जाता है इसको, सर्विस विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो हेलीकॉप्टर टैक्सी की एक सर्विस लॉन्च की गई है, वो की गई है बेंगलुरु में, ठीक है सबसे पहले इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रभात कुमार ठीक है प्रेजेंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोलंबिया, ठीक है प्रभात कुमार हैं जो, वो प्रेजेंटली एम्बेसडर है इंडिया टू कोलंबिया के, हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट एम्बेसडर उनको बनाया जाएगा ताजिकिस्तान का, ठीक है। तो अभी अगर बात करें तो देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं, ठीक है कोई भी घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रभात कुमार कहाँ के प्रेजेंटली है, ठीक है एम्बेसडर वो है इंडिया टू कोलंबिया के, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या फिर अब नेक्स्ट कहाँ के होंगे, तो इंडिया टू काजिकिस्तान के होंगे, ठीक है या इंडिया टू काजिकिस्तान के कौन से एम्बेसडर हैं, तो वो प्रभात कुमार, या फिर इंडिया टू कोलंबिया के कौन से एम्बेसडर हैं, वो भी प्रभात कुमार। तो आपको सारी तरफ से चल के पढ़ना है कि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योति गुप्ता वो वाज फाउंड डेड ऑन अगस्त 2 ठीक है 2017 वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। तो ज्योति गुप्ता एक 20 ईयर्स की अच्छी खिलाड़ी थी, ठीक है हॉकी की थी ये, तो ये रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक पर मरी हुई मिली है, ठीक है। तो इनका रिलेशन जो रिलेटेड थी स्पोर्ट से, तो ये थी हमारी हॉकी से। नेक्स्ट बात करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट यूटी यूनियन टेरिटरी हैज टाइड अप विद उबर, उबर आपको पता ही होगा टैक्सी एक वो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है टैक्सीज की, तो फॉर इनहांसिंग द वुमेन सेफ्टी। तो किस पुलिस डिपार्टमेंट ने टाई अप किया है उबर के साथ वुमेन सेफ्टी के लिए, तो वो किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 30 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स ठीक है अमंग फार्मर्स, ठीक है। तो ये किया है असम की गवर्नमेंट ने कि किसानों में 13 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स बांटे जाएंगे, और 1 लाख समथिंग तो अप्रैल में बांटे भी जा चुके हैं, बट 13 लाख ये अब दोबारा बांटेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन नया किसको बनाया गया है, तो ऑप्शन यहां पर 4 दिए गए हैं ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राजीव कुमार, राजीव कुमार को वाइस चेयरमैन बनाया गया है नीति आयोग का। नेक्स्ट बात करते हैं, जापान ऑब्जर्व द 72 एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब अटैक इन हिरोशिमा ऑन, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी 72 जो एनिवर्सरी थी वो मनाई, तो वो मनाई गई थी 5 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे ठीक है इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डे एवरी ईयर, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। तो आपसे पूछा जा सकता है नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को, या फिर पूछा जा सकता है 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। नेक्स्ट बात करते हैं, 8th मैकोन गंगा कॉरपोरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 7 अगस्त को हुई थी ये मीटिंग, ठीक है। तो ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी मैनीला फिलीपींस में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन न्यू दिल्ली, बैंकॉक, हैनोई, ठीक है। तो मैनीला फिलीपींस पे ये हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट इज बिंग बिल्ड, तो इंडिया का फर्स्ट जो माइक्रो फॉरेस्ट है वो कहां पर बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्वजीत पी सिंह ठीक है वो पास्ड अवे ऑन अगस्त 6, 2017 वाज, ठीक है कौन थे वो, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो थे फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, विश्वजीत पी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन अगस्त 10, 2000 फेसबुक लॉन्च्ड YouTube कंपिटिटर कॉल्ड, ठीक है। Facebook ने एक कंपिटिटर लॉन्च किया है YouTube के लिए, तो वो उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया है वॉच। तो अगर आपको पीछे से कोई साउंड सुनाई दे तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो Facebook ने लॉन्च किया है YouTube कंपिटिटर, उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया है हमारे पास वॉच।
नेक्स्ट बात करते हैं, तो इतने ही क्वेश्चन थे, सॉरी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये इंपॉर्टेंट थे, पार्ट वन था, पार्ट टू भी आएगा इसका अगस्त के क्वेश्चंस का, तो बहुत अगस्त में बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हुई है, न्यू जो मंत्री भी बने हैं, मिनिस्टर्स भी बने हैं, उसकी भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा लगे कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच।